आइकॉन माने जाते हैं। बस्तर की विकास की बात करें तो सड़कों को लेकर बात किया जाता है, वहाँ पर वनोपज की बात की जाती है कि आदिवासियों का हित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, आप बता दें। देखिए बहुत दुखद है कि बस्तर में आप देखेंगे आज सड़कें भी नहीं बन पाई है, जो सड़कें हम लोगों ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना से ले लीजिए या सड़क ले लीजिए, आज इतने सारे आदिवासी समाज आज दुखी हो गई है क्योंकि उनको जो घर मिलने वाला था वो घर भी नहीं मिल पाया। और दुखद मेरे लिए क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक राज परिवार का होने के नाते सब लोग बोलते हैं महाराज हमको जब घर नहीं मिल रहा है, हमारे जो कार्ड है उसको भी कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, तो मेरे घरों को कब से नहीं बनाएंगे, जब भी बनाते कोई नया पुस्तिका बनाओ, ऐसे करके बहुत सारा गुमराह किया जा रहा है। और साथ साथ आज का जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं युवा मोर्चा के नेतृत्व में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं ताकि जो युवाओं के साथ जो वादा किया था 2500 रुपये जो देंगे, बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाएगा, उसको देखते हुए हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन किया। और साथ साथ हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य कि भूपेश बघेल जो वादा किया उसको पूर्ण करें, क्योंकि युवा अब सड़क में आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आ चुका है, और युवाओं की मांग, हमारे प्रदेश की मांग, हमारे युवाओं की मांग हम उठा करके, और ये चाहते हैं भूपेश बघेल जल्द से जल्द अपने वादे पूरा करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को लेकर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, यहाँ के जो जनता है उनके साथ छलावा किया है, आदिवासी है उनके साथ छलावा किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।